लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलर्ट, प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी, कई जगह बाढ़ के हालात। यहां SDRF ने संभाला मोर्चा जैकपुर। प्रदेश में बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश सवाई माधोपुर में 189 मिमी रिकॉर्ड की गई। अलवर के कोटकासिम में 6 इंच और बीकानेर में रविवार दोपहर तक 125.4 मिमी बारिश हुई। इससे नगर निगम रोड, कलेक्ट्री परिसर, PBM अस्पताल, रेलवे स्टेशन परिसर में पानी भर गया। राज्य आपदा राहत दल SDRF की टीमें नावों की सहायता से मदद करने पहुंची। हाड़ौती व शेखावाटी में भी बारिश हुई। हाड़ौती में बारिश ने रोकी रहा। हाड़ौती में रविवार को अल सुबह से शाम तक बारिश का दौर जारी रहा। कोटा शहर में तड़के से बरसात का दौर शुरू हुआ, जो रात तक भी जारी रहा। रावतभाटा, संगोद, इटावा सहित अन्य कस्बों में बारिश हुई। 12 के आसपास बारिश से बाबजी नगर व आसपास की बस्तियों में भर गया। झालावाड़ में करीब 45 मिनट बरसात हुई। परवन नदी की पुलिया डूबने से 12 अकलेरा राष्ट्रीय राजमार्ग 90 बंद हो गया। कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में पार्वती नदी की पुलिया डूबने से श्योपुर मार्ग बंद। वहीं चंबल नदी पर बनी रपट डूबने से 5 दिन से सवाई माधोपुर मार्ग बंद है। किले और सूरसागर की दीवारें ढही। 20 घंटे तक लगातार हुई बरसात ने बीकानेर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रविवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 57.7 मिमी तथा शनिवार शाम 4:35 बजे से रविवार सुबह 8:30 बजे तक 67.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बरसात का पानी दीवार ढहाकर जूनागढ़ किले की खाई में भर गया। सूरसागर लबालब हो गया। कलेक्ट्री परिसर, PBM अस्पताल, रेलवे स्टेशन परिसर सहित सरकारी भवनों में भी पानी भर गया है। करीब आधा पुराने जर्जर भवनों की दीवारें और छजे छत आदि गिर गए। निगम प्रशासन मान रहा दम तोड़ रही है गाय। जोधपुर में बारिश होते ही नगर निगम की ओर से संचालित नांदड़ी गौशाला में प्रतिदिन 4 से 5 गायों की मौत हो रही है। गायों की मौत को लेकर गौशाला विवादों में रही है। बारिश के दिनों में वर्ष 2016 में 7 दिन में ही 100 से अधिक गायों की मौत हो गई थी। पिछले साल भी एक ही दिन में 15 गायों की मौत के बाद भी गौशाला विवादों में आ गई थी। पिछले साल भी बारिश के दिनों में 100 से अधिक गायों की मौत हुई थी। खाल की पुलिया से जीप बही। 12 जिले के सारथल कस्बे में रविवार को नाले की पुलिया पार करते समय एक जीप खाल में बह गई। दोपहर 3 बजे गढ़ के पास स्थित खाल की पुलिया पर पानी का बहाव था। इस दौरान एक जीप चालक सवारी को छोड़कर पुलिया के दूसरे छोर पर जा रहा था। इस बीच तेज बहाव में जीप पुलिया से उतरकर नाले में बह गई। बाद में जीप चालक व खलासी ने तैरकर अपनी जान बचाई। सवाई माधोपुर में 7.5 इंच बारिश। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिन से लगातार चल रही बारिश ने जलाशयों में तो आवक कर दी है, साथ ही मौसम में आई गर्मी भी धुल गई। शनिवार रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7.5 इंच बारिश दर्ज की गई। इससे जगह जगह पानी भर गया। बारिश से मानसरोवर बांध में 17 फीट 3 इंच पानी की आवक हुई है। सड़कों पर भी पानी भर गया। इससे सड़कों के आसपास ही तंबू लगाकर अपना जीवन बसर कर रहे लोगों के सामने परेशानी हो गई। रविवार को भी बारिश का दौर सुबह से जारी रहा। देर शाम तक भी झमाझम बारिश होती रही। दीवार गिरने से एक की मौत। अलवर जिले में रविवार को बड़ा झूम के बरसे। सबसे अधिक बारिश कोटकासिम में 6 इंच रिकॉर्ड की गई। बारिश से कठुमर में एक मकान की दीवार गिरने से एक जने की मौत हो गई। शनिवार शाम 4 बजे से रविवार शाम 4 बजे तक कोटकासिम में 146 एमएम, गोविंदगढ़ में 82, तिजारा में 65 एमएम, लक्ष्मणगढ़ में 45 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। घरों में घुसा पानी। भरतपुर जिले में 1.5 घंटे की तेज बारिश से जलभराव हो गया। बारिश का पानी घरों में घुस गया। भरतपुर शहर में 134 एमएम बारिश दर्ज की गई। पिलानी में एक दिन में 132 एमएम बरसात। झुंझुनू अंचल में दिन भर बरसात का दौर चला। सबसे ज्यादा बरसात पिलानी में 132 मिलीमीटर हुई। खेतड़ी में 36, चिड़ावा में 18 मिमी बरसात दर्ज की गई। सीकर जिले के गणेश्वर क्षेत्र में दूसरे दिन भी झरने बहते रहे। अजीतगढ़ में केरली के पास बने बांध पर चादर चलने लग गई। आसपुरा बांध भी लबालब हो गया है। मंडूसिया गांव का बांध टूट गया है। नादौती व करौली में शनिवार रात जोरदार बारिश हुई। पांचना बांध पर 92 एमएम, करौली में 88, नादौती 77, सपोटरा के कालीसिंह बांध पर 70,
टोडा भीम में 52, श्री महावीर जी में 50 mm बारिश दर्ज की गई।